अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मस्त हूँ, मलंग हूँ। आप लोग तो मस्त मलंग नहीं है ना? अभी तो कोई भी लाइव नहीं है क्योंकि अभी भी तो मैं हाजिर हुई हूँ, आई हूँ, जिनकी तरह टपक पड़ी हूँ। तो देखते हैं कौन आता है, कैसे आता है, कब आता है, कुछ आइडिया तो है नहीं मुझे। वेट कर लेते हैं सबका। अच्छा, आज ना मैं एक मज़े वाला टॉपिक लेकर के आई हूँ, आज इसके ऊपर बातचीत करते हैं। कोई आए ना आए, बाद में जब आप लोग चैट पढ़िए तो वहाँ पे भी आप लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अपने जो कमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अगर मेरा दिल हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। बड़ा कोई अच्छा आला किस्म का आपका कमेंट लगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर आप जो है व्यूज़ अपने दे दूँगी, अदरवाइज़ फिर ऐसे गुजारा कर लेंगे आप भी और हम भी। अच्छा, आज का मैंने जो टॉपिक रखा हुआ है वो है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा या अहम शख्सियत कौन है। हिस्सा वैसे मैंने लिखा लेकिन अहम शख्सियत होनी चाहिए। अहम शख्सियत कौन है आपकी ज़िंदगी का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। वो कोई रिलेशन हो सकता है, वो कोई शख्स हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी लाइफ के साथ जो है वो कनेक्टेड है। एक मिनट, मैं ना इसको साइलेंट पे कर लूँ, बड़ी आवाज़ कर रहा है, सॉरी साइलेंट पे नहीं जा रहा, हमेशा भी चला गया। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम अहम चीज़ क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। फिर मैं भी लास्ट में डिस्क्लोज़ करूँगी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे जो अहम चीज़ है, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है चीज़, वो क्या है और क्यों है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, हम लोग खुद ही उनको अपनी ज़िंदगी में जो है ना अहम हिस्सा बना लेते हैं कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में बड़ी लाजम मलजूम है, इसके बगैर तो हम लोग जी नहीं सकते हैं। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जिनके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। मेरी ज़िंदगी की तो छोटी छोटी सी चीज़ भी है, उसके बगैर भी मुझे लगता है मैं रह ही नहीं सकती हूँ। बाजू का ऐसा खबर हो जाता है हमें ना कि नहीं, अच्छा इसके बगैर तो हम, लाइक मुझे लगता था कभी किसी ज़माने में मैं सोए बगैर रह ही नहीं सकती। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो तीन तीन चार चार घंटे आराम से सो सकती, इतनी चार चार घंटे तो नहीं। आए लाइट चली गई, बेयर विद मी, अंधेरा हो गया, अंधेरा, अभी लाइट आ जाएगी। दो मिनट के लिए ये ऑन कर लें, आगे लाइट। हमें बाजू का ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों फील होता है, दो तीन घंटे तो नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं तीन चार दिन मुसलसल सो सकती हूँ, और मेरी हिस्ट्री ऐसी ही रही है, मैं तीन चार घंटे मुसलसल सो सकती हूँ। घंटे नहीं मतलब दिन, घंटे निकल रहे मेरे मुँह से, तीन चार दिन मैं मुसलसल सो सकती हूँ बगैर कोई गैप किए, बगैर कोई किसी भी किस्म का इंटरवल दिए। जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होते ना, वो फिर ऐसी हरकतें अक्सर करते हुए नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें क्रेज़ बन जाती हैं आपका, लाइक इंटरनेट देखे बगैर हम रह नहीं सकते। इंटरनेट पर देखना क्या है, कुछ ड्रामास है वो देखने हैं, कुछ मूवीज़ है वो देखनी है, बड़ी ज़रूरी है भाई, हालांकि ज़रूरी नहीं है पर वो ऐसा होता है ना कि टाइम किल करने के लिए, टाइम पास करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ऐसा कभी कभार कि चलो एक अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अच्छा, मैं ना सिर्फ अजान होने तक यहाँ पे हूँ लाइव, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। तो आप लोग बाद में कमेंट्स के ज़रिए अपने जो व्यूज़ हैं वो मुझे दे सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का अहम चीज़ जो है, आपकी ज़िंदगी की अहम चीज़ जिसके बगैर आप वाकई नहीं रह सकते हो, वो क्या है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी की ये चीज़ बढ़िया है, मैं वो चीज़ बढ़िया है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट मैं बोले जा रही हूँ। अगर किसी को समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोले जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं बता रही थी कि बाजू का मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोए बगैर रह नहीं सकती हूँ, लाइक मुझे नींद तो, अगर मैं 12 घंटे जागी हूँ ना मुसलसल, तो मुझे 12 घंटे सोना ज़रूरी है। फिर लाइफ ने ऐसा पलटा मारा ना, बड़ी ज़ोर का पलटा मारा,
और उस पलटे मारने में मुझे ऐसा हुआ कि अभी मुझे नींद बमुश्किल 5 से 6 घंटे की भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों के पंगे ऐसे ले लिया मैंने, खुद ही विशेस की कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। अब ऐसा होने लग गया तो फिर तंग भी नहीं आ सकते थे, तंग कैसे आ जाते भैया, खुद ही तो विश किया था कि ये चीज़ हो लाइफ में। अब हो रही है तो हो रही है, अब क्या कर सकते हैं, उसको मना तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं सकते, स्टॉप का कोई बटन तो है नहीं कि उसको प्रेस कर दें और स्टॉप कर दें कि नहीं नहीं भैया अभी नहीं चाहिए, हम तंग आ गए हैं। वैसे ऐसा होते हैं इंसान, मैं भी हूँ ऐसी, मैं बड़ी जल्दी चीज़ों से उकता आ जाती हूँ, लोगों से उकता आ जाती हूँ। चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है, लोगों को मैं बेयर नहीं कर सकती ज़्यादा देर तक, 5 मिनट हार्डली 5 मिनट, उसके बाद मैं मेरी बस हो जाती है, या तो वो बंदा यहाँ पे बैठ ले या फिर मैं बैठ, नहीं बनती भाई। एक शेर था कि अपने ही जैसे करता हूं तलाश मैं, बनती नहीं मेरी किसी भी खास से। चलो इसको बंदी रहने दो, थोड़ा नेरा नेरा सा लगेगा बट कोई बात नहीं, नेरा नेरा बर्दाश्त कर लेते हैं। 6:30 हो रहे हैं, अजाने होने वाली हैं। यस होने वाली है, आए बाजू का ना। हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे लोग भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि है। मेरी ज़िंदगी में भी कोई था ऐसा जिसको मुझे लगता था कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकूँगी। जब वो गया ना, असल में वो ज़िंदगी छोड़ के चला गया, दुनिया ही छोड़ के चला गया, तो उसको रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह ने भेजा था, अल्लाह ने वापस ले लिया, उसको रोक नहीं सकते था, कोई भी नहीं रोक सकता था। बट पता नहीं क्यों उससे बड़ी अटैचमेंट हो गई थी, वो अटैचमेंट सिर्फ मेरी तरफ से नहीं थी, वो उसकी तरफ से भी थी। ये तो थोड़े से अरसे के लिए आया था और फिर थोड़े से अरसे के बाद वो चला गया, हार्डली 9 मंथ्स। 9 मंथ्स सिर्फ उसने ज़मीन पे गुजारे हैं, फिर वो वापस चला गया जहाँ से आया था। और उम्मीद करती हूँ बड़ा अच्छा होगा। दैट्स वेरी रॉन्ग, क्या इमरान शेख साहब क्या रॉन्ग है? अजानें शुरू हो गई हैं तो मैं अभी चली जाऊंगी, मैं ऑफ हो जाऊंगी अभी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ क्या है। टॉलरेट नहीं होता कि मैं उस, मतलब कि बनती नहीं है ना। अभी मैंने एक शेर भी पढ़ा, उस शेर को समझिए ना, उस शेर को तो समझने की कोशिश करिए, पर तभी पता चलेगा। और वाकई नहीं बर्दाश्त कर सकते हम ज़्यादा देर तक बहुत सारे लोगों को, नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कोई चीज़, कोई शख्स आपके पास में आकर बैठता होगा तो आपको नहीं अच्छा लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा देर तक आपसे, आपके पास में बैठे या आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मैं कॉल पे बड़ी लंबी लंबी बातें नहीं कर सकती, इवन मैसेजेस भी नहीं कर सकती। आप में से मे भी बहुत सारे लोगों को मुझसे कंप्लेंस होती होंगी कि हम मैसेजेस करते हैं, रिप्लाई नहीं करती है, बड़ी रूड है, बड़ी है, बड़ी वो है। भाई बोलते रहो, रूड हूँ तो हूँ, आप लोगों को लगता होगा रूड हूँ, बट नहीं हूँ मैं रूड, नहीं अच्छा लगता। बाज़ूकात नहीं बन पाती, बाज़ूकात मूड नहीं होता, बाज़ूकात ऐसा होता है कि आप खपे पड़े होते हैं बड़ी सारी चीज़ों के लिए। अब किसी की बात का बंदा क्या जवाब दे, सामने वाला सवाल ही ऐसा करता है कि उसका कोई जवाब नहीं होता। बाज़ूकात हमारे अपने इतने अच्छे सगे वाले रिलेशन, प्यारे वाले रिलेशन हैं, वो कोई ऐसी बात कह जाते हैं तो वो इसका जवाब देने का दिल नहीं चाहता, होका भर के रह जाते। वो होका होता है ना, ये वाला होका भर के रह जाता इंसान। बाजू का ऐसा होता है कि हम सामने वाले बंदे का मुंह नहीं तोड़ सकते। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों का मुंह तोड़ने का बड़ा दिल चाहता है लेकिन नहीं तोड़ सकते। ये भी ज़िंदगी है, ऐसी भी ज़िंदगी गुजरती है। सो मैंने बताना था कि मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम चीज़ क्या है। मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ जो थी वो तो अल्लाह ने थोड़े से अरसे के लिए दे के ले ली, और जब वो था मुझे तब भी एहसास था कि ये जब चला जाएगा तो फिर मैं नहीं रह पाऊँगी इसके बगैर। हाँ लगा था जब वो गया था तो मुझे लगा था कि बस ज़िंदगी ख़त्म, बट नहीं, ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी चलती रहती है। वो कौन है उसके बारे में आपको मेरे फेसबुक पोस्ट से अक्सर पता चलता रहता होगा। उसका नाम साइम था और वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए दुनिया में आया और 9 मंथ्स के बाद वो चला गया था हमें छोड़ के। उसके साथ कुछ इशू था, हेल्थ इशूज़ थे उसके साथ, वो नहीं ज़्यादातर यहाँ पर स्टे कर पाया। बट जितना प्यार मैंने उससे किया उससे कहीं ज़्यादा प्यार उसने मुझे दिया। तो हालाँकि रिश्ते में मैं उसकी फूफी लगती हूँ, पर फिर भी उसने मुझे बहुत प्यार दिया, उतना प्यार मैंने भी उसको दिया। वो अक्सर याद आता है मुझे, अक्सर नहीं आता, वो याद ही आता है बस, कहीं जाता ही नहीं है।
खैर वो तो इम्पोर्टेंट था ही मेरी ज़िंदगी में। अब उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है मेरी ज़िंदगी की, ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगी की होती है मेरे पेरेंट्स। उनके बगैर ना तो मैं हूँ, मेरा वजूद ही नहीं होता अगर वो नहीं होते तो। वो हैं और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ये काम, ये धंधे, ये लोग, आसपास रहने वाले, सब कुछ भी अहमियत नहीं रखता सिवाय उनके। बस बन जाती है कभी कभी, हर इंसान की ज़िंदगी में होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उनके लिए अगर वो मुझे बोले कि किसी का मर्डर भी कर दो तो मैं शायद वो भी कर दूँ। सीरियसली उनको कोई उफ भी बोल दे ना, मैं बोलती रहूँ तो खैर है, मैं कुछ भी बोलती रहूँ खैर है, चलेगा। बट कोई और बंदा आकर उन्हें कुछ भी बोल दे, उनकी तरफ यूँ इशारा ही कर दे, तो बस फिर उस बंदे की खैर नहीं होती है। फिर वो चाहे मेरे रिलेशन में क्या कुछ ना लगता हो, कितने ही मेरी एज से भी बड़े हों, मेरे सगे, मेरे रिश्तेदारों में हों, कोई भी हो, बाहर का बंदा, तो फिर जाहिर सी बात है मैं बर्दाश्त ही नहीं करूँगी। बाहर का बंदा कोई मेरे अबू आ गया, अबू बोल दे, तो उस बंदे की खैर नहीं होती है। या तो वो होता है फिर उनकी लाइफ में, या फिर मैं होती हूँ उनकी लाइफ में। तो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं ये रिश्ते मेरे लिए। सो इन रिश्तों के बगैर रहा नहीं जा सकता। सबके ज़िंदगी में होता होगा, सब लोग अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते होंगे, यकीनन आप लोग भी नहीं रह सकते होंगे। तो अभी हो गई है अजान मगरिब की, तो आप लोग भी नमाज़ पढ़ लीजिए, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर दीजिएगा। आप लोगों से दरख्वास्त ही कर सकती हूँ मैं, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं करती, ना कभी की है। इसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे कि ज़बरदस्ती किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी में घुसना, किसी की ज़िंदगी में शामिल हो जाना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे किसी दिन। कभी बड़ा अच्छी वाली फुर्सत निकाल के ना फिर बात करेंगे, या हो सकता है इसी चैट के बाद, इसी सेशन के बाद एक और सेशन रख लें, तो बात करेंगे फिर इसके ऊपर भी। पर फिलहाल मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कर दीजिएगा, मैं भी आप लोगों के पेरेंट्स के लिए दुआएं करती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। आप लोग ज़रूर कर देना, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कर देना, अम्मी के लिए खसूसी दुआ करिएगा, तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनको बीमार देख के ना अच्छा नहीं लगता, वो बीमार बीमार सी अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो चलती फिरती, घूमती फिरती, डांटती, बातें सुनाती, चिल्लम चिट्टी करती, पंगे लेती भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो दुआ कर दें कि अम्मी जल्दी से बस ऐसे हो जाए कि हर जगह पे जाके पंगे लेना शुरू कर दें, फिर हम संभालते फिर हैं उनके सारे पंगों को, इसके साथ भी ले लिया, उसके साथ भी ले लिया, अब क्या करें। तो बस वो उन्हें ऐसा कर दें, जल्दी से कर दें अल्लाह जी इनको ऐसा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखते रहिएगा, और मेरी अम्मी को स्पेशली, मुझे चाहे रखें या ना रखें वो खैर है, पर मेरी अम्मी को, अब्बू को लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे अगले सेशन के लिए, अगली चैट के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे किसी का कमेंट बहुत अच्छा लगेगा तो मैं उसको रिप्लाई लाजमी करूँगी, तो हो सकता है सभी को कर दूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, सब खुद कर दूँगी रिप्लाई। सो तब तक नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए क्या, अगले वक्त के लिए चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नमाज़ पढ़ लीजिएगा, दुआ ज़रूर करिएगा, अल्लाह हाफिज़।